फुल करना है। देखो भाई जीरो हो चुका है ट्रिप। तो भाई अभी आ चुके हैं मेन सिटी पडरौना में, और यहाँ पर जो है एवरेज क्या कितना दाम है 31 का, चलिए ना डिवाइड हो जाता है देखने को। तो हेलो एवरीज, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल आज के नए वीडियो में। तो भाई फाइनली आज नई वीडियो आ रही है भाई, काफ़ी दिन से भाई वीडियोस नहीं आ रखे थे उसके लिए भाई सॉरी, क्योंकि मैं अभी कहीं बाहर जा रखा था उस वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी भाई, और फाइनली घर पर आया और सोचा चलो वीडियो बना कर लाते हैं। तो भाई काफ़ी लोगों का सवाल था कि भाई ये कितना एवरेज देती है, तो भाई मैं बता दूँ ये देती नहीं सिर्फ लेती है पैसा भाई, और आज उसी का टेस्ट करने जा रहे हैं भाई। बहुत लोगों का सवाल था कि भाई कितना एवरेज देती है कितना एवरेज देती है, तो फाइनली आज माइलेज टेस्ट का वीडियो आ गया। और भाई आपको कुछ और उसे इग्नोर करना, थोड़ा तबीयत भी सही नहीं चल रही है। तो फाइनली आते हैं मोटर ब्लॉग पर और लेके निकलते हैं। तो भाई आ चुके हैं मोटर ब्लॉग सेटअप पर, अभी ज़्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, अभी चलते हैं पहले इसका टैंक फुल कराते हैं, और भाई मैच जोड़ लेना, मतलब लास्ट में जैसा होगा टैंक फुल कराएंगे, फिर जितना खाली होगा उतना फिर फुल कराएंगे, फिर डिवाइड करेंगे। चलो भाई मैंने दे जाएगा लास्ट में, मेरी मैथ थोड़ा कमजोर इसलिए मैं भाई उसे हूँ। भाई आ चुके हैं पेट्रोल पंप पर, बट ये क्या यहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ देखो वहाँ सिर्फ लाइन ही लाइन। चलो भाई घर आते हैं फिर मिलते हैं आप लोग से। फुल करना है तो भाई फुल कराते हैं, फिर देखते हैं कितना का फ्यूल आता है इसमें, जब बोलेंगे तब रुक दीजिएगा ठीक है। पानी जान दीजिए, पानी दीजिए भाई, और ऊपर हाँ ठीक है 509 का फ्यूल आया है भाई, 510 का। तो भाई फ्यूल अप हो चुका है, और भाई पहले बता दूँ मैं स्टॉक साइलेंसर लगाया है, और कोई भी मॉड्स नहीं है हमारी गाड़ी में, चाहते हो कि हमारी गाड़ी में मॉड्स है तो जल्दी जल्दी वन के कराओ भाई। और भाई अभी ट्रिप सेट करते हैं, ट्रिप वो 79 पे इसको जीरो करते हैं भाई, देखो भाई जीरो हो चुका है ट्रिप, और ट्रिप 279 ये भी जीरो ही कर देते हैं भाई। हाँ ओडो 904 है 904, और या चलो भाई लेके निकलते हैं भाई, तो भाई लेट्स गो। हाँ भाई ट्रिप है देख लो भाई जीरो ही है, और अभी चलते हैं भाई, इसको बहुत दौड़ाएंगे आज, आज ये बहुत दौड़ने वाली है। और भाई मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं ज़्यादातर रेड लाइन की तरफ रहता हूँ, मतलब हाँ सिटी में तो नहीं, बट जहाँ मेरे को खाली रोड मिलता है वहाँ मैं ज़्यादातर रेड लाइन की तरफ रहता हूँ, तो रेड लाइन मतलब ज़्यादा स्पीड में। सिटी में हम लोग धीरे चलाएंगे, और बाहर जाते ही थोड़ा बहुत स्पीड अप करेंगे, मे बी टॉप स्पीड भी इसकी जाए शायद, अगर टॉप स्पीड जैसा रोड मिला हमें, हाईवे मिल गया तो बिल्कुल भाई टॉप स्पीड इसका आज चेक कर लेंगे, और अगर नहीं मिला तो देखते हैं भाई। फिलहाल चलते हैं भाई पडरौना सिटी के बाहर, और उसके बाद इसको फुल टेस्ट करते हैं। तो भाई फिलहाल अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं भाई सिटी में, भाई सिटी में हमेशा गियर अप डाउन होता रहता है, तो एवरेज का कुछ एक वो नहीं होता है, पर्टिकुलर आइडिया नहीं होता है कि भाई कितना एवरेज है कितना नहीं, ऊपर नीचे होता रहता है एवरेज, बट हाईवे पर हमेशा एवरेज कॉन्स्टेंट होता है, एक बराबर होता है, बट सिटी में ऊपर नीचे डिफर करते रहता है। तो भाई देखो अभी मान जाओ फर्स्ट सेकेंड गियर में मैं चल रहा, आगे चल थर्ड गियर आऊँगा, फिर वापस मेरे को फर्स्ट सेकेंड आना पड़ेगा, तो भाई सिटी में दिक्कत होता है, काफ़ी दिक्कत होता है, बट हाईवे पर कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ये चीज़ बढ़िया होता है। अभी सिटी भाई सिटी भी निकाल देता है ना भाई, जिनको सिटी में चलना होता है उनको सिटी का पता लग जाएगा, और हाईवे का तो ऑफकोर्स ये गाड़ी बनी हाईवे के लिए है भाई, सिटी में लेके जाओगे ज़्यादातर गर्म होगी, आप लोग को भी प्रॉब्लम होगा, और आप लोग अच्छे से इसको खींच भी नहीं पाओगे, बट भाई अगर हाईवे हो एकदम लाजवाब संगमेश्वरी। यही नहर से काट,
साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। भाई अभी आ चुके हैं मेन सिटी पडरौना में और यहाँ पर जो है एवरेज बहुत ही कम लेने वाली है हमारी गाड़ी। यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग स्लो चलेंगे और फर्स्ट सेकंड गियर में ही चलेंगे, थर्ड गियर फोर्थ गियर यहाँ जाने लायक नहीं, बंद हो जाएगी गाड़ी हमारी। एक्चुअली बंद नहीं होगी बट हाँ बहुत इंजन पर फर्क पड़ेगा, उससे क्या फ़ायदा। देखो भाई सिटी में ओवरटेक करोगे ऊपर नीचे गियर करोगे तो एवरेज बहुत कम देगी, वही बोल रहा था मैं। अभी चलते हैं भाई हाईवे की तरफ और थोड़ा बहुत इसको खींचते हैं। भाई मेरे को जहाँ तक एक्सपीरियंस है भाई ये सिटी में बिल्कुल ही एवरेज नहीं देती, मैं ज़्यादातर सिटी में ही चलता हूँ। अभी इसका 900 किलोमीटर हो चुका है आप लोग को, जैसे वहाँ पे पेट्रोल स्टेशन पर मैंने आप लोग को दिखाया पुलिस स्टेशन पर कि इसका 900 कंप्लीट हो चुका है, 900 किलोमीटर विद इन अ मंथ मैंने कंप्लीट किया है। और भाई ये बिल्कुल एवरेज नहीं दी है क्योंकि ज़्यादातर बहुत ही कम हाईवे पर गई है, ज़्यादातर ये सिटी में ही चली है तो एवरेज तो इसका बिल्कुल नहीं आता था। भाई जो फटी है ना इसको चलाने में सिटी में भाई क्या बताऊँ, बट भाई मोहब्बत है तो चलाएंगे भी मज़े भी लेंगे, एवरेज कम दे रही है तो क्या हुआ। अरे हाँ ठीक है, देखो भाई मोबाइल से बात करते करते चला रहा है गाड़ी और लाकर लड़ा दिया है, यही होगा अगर आप लोग मोबाइल से बात करते करते चलाओगे तो। तो भाई आ चुके हैं हाईवे पर और ये देखो भाई 5.1 किलोमीटर सिटी में चल रखी है, बाकी की जितना भी राइड होगा हम लोग लाइव हाईवे पर चलेंगे। और भाई जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब यहाँ से होने वाला है रेड लाइन टच, हमारा भागने वाली है यहाँ से हमारी जीटी। देखना भाई 100 के ऊपर जाएंगे तो थोड़ा बहुत माइक का दिक्कत होगा, माइक का इशू आएगा क्योंकि अभी हमारे पास GoPro नहीं है, घर पर माइक बढ़िया पड़ा हुआ है बट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, मेन दिक्कत है। थोड़ा नीचे आ गया अभी, देखो भाई हाईवे पर रहने का यही फ़ायदा है, हमेशा रहोगे तो 80-90 के ऊपर ही हाईवे पर, और 80-90 के ऊपर हाईवे पर ज़्यादातर गाड़ी चलती रहती है तो भाई यहाँ पर एवरेज से बेस्ट एवरेज से शुरुआत। आओ अभी तक टॉप टॉप स्पीड हम लोग देख सकते हैं, बेस्ट हो भाई। अभी तक मेरे को हैंडल वॉबलिंग का कोई इशू नहीं है फिलहाल, हम लोग का सेकंड सर्विस अभी हुआ नहीं है, फर्स्ट सर्विस के बाद इतना भाग रही है, जैसे ही सेकंड सर्विस कम्प्लीट हो जाएगा थर्ड सर्विस कम्प्लीट हो जाएगा फिर कुछ ज़्यादा ही, मतलब ये थोड़ा बहुत भागने लगती है। फर्स्ट सर्विस के बाद एवरेज भी ज़्यादा देती है, पहले तो बहुत ही कम देती थी, समथिंग हमको ये एवरेज देती थी 10-11 उससे ऊपर बिल्कुल नहीं भाई, और सिटी में तो 15 का फर्स्ट सर्विस के बाद देती थी। अभी हाईवे पर चेक करते हैं भाई 9.7 किलोमीटर चल चुका है और हम यहाँ से हम जाएंगे समथिंग 15 किलोमीटर और 50 किलोमीटर वापस से आएंगे, 15 किलोमीटर वापस से आएंगे और फिर डेवलप करा चेक करेंगे भाई कितने का एवरेज भी है। भाई हमारी गाड़ी जो है वो फुल्ली स्टॉक है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर पाई, इसमें अभी मॉडिफिकेशन हुए नहीं है भाई। भाई जल्द से जल्द 1K कराओ, मॉडिफिकेशन स्टार्ट करा देंगे भाई अपनी ड्यूटी पर। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे प्यारा सा साउंड देने के लिए रेड रूस्टर का एग्जॉस्ट। और ये रोड खाली है क्या? ये रोड खाली है क्या? पूरी खराब रोड है भाई, खराब है। ओके भाई हमारा क्लियन बोल रहा है सामने वाला रोड उस साइड वाला बहुत ही खराब है। हाँ हाँ ओके गाइस, तो अभी हम इधर स्पीडिंग नहीं कर सकते हैं, जैसा कि अनुज बता रहा है कि इधर स्पीडिंग तुम कर ही नहीं सकते हो, इतना ट्रैफिक बीच में कोई भी आ जाएगा चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हो? तो सेफली चलाओ। पैर जलने लगा भाई। गाइस सबसे पहले भाई सॉरी, मैंने ग्लव्स नहीं पहना है,
बट हमारे पास शूज़ और हेलमेट दोनों ही है सेफ्टी के लिए। आप लोग बिना सेफ्टी के ऐसे ज़्यादा स्पीड अप मत किया करो। लेट्स गो गाइस, ये देखो 15 किलोमीटर हो रखा है, आप लोग चेक कर लो। और अभी हम लोग आगे से लेने वाले हैं यू टर्न। पहले देखते हैं भाई रोड एकदम चकाचक खाली हो जाने दो। भाई जहाँ तक मेरे को आइडिया है भाई, कंपनी तो क्लेम करती है कि भाई ये 25 के एवरेज दे देगी, बट भाई ये बिल्कुल 25 के एवरेज नहीं देती है। बट एवरेज इसको निकालेंगे भाई, हम लोग इतना स्पीड अप किए हैं ना। अभी आप लोग को दिखाते हैं भाई ये कितना का एवरेज दे रखी है। ओ चलो भाई यहाँ से लेते हैं यू टर्न और वापस से चलते हैं 15 किलोमीटर। जहाँ तक मेरे को आइडिया है भाई, ये फ्यूल ऐसे अगर एवरेज निकाले हम लोग तो समथिंग समथिंग 20 का एवरेज तो दे देगी, जहाँ तक मेरे को आइडिया है। बस सर्विस के बाद सिटी में तो ये बिल्कुल एवरेज नहीं देती है, सिटी में ये हमको देती है 15-16 का एवरेज। 15 से ऊपर नहीं देती है, 15-16 के ऊपर बिल्कुल ऊपर नहीं देती है भाई एवरेज ये सिटी में। तो खैर कोई बात नहीं, बट हमें चलना है मेन हाईवे पर। तो भाई इनका कमेंट आ रखा था कि आप इंदौर आओ, मिलते हैं। एक्चुअली भाई जल्द से जल्द प्लान करते हैं, आते हैं इंदौर, फिर मिल लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। और भाई इनका कमेंट आया था कि भाई क्या हुआ, हर डेली तुम्हारा हर दूसरे दिन ब्लॉग आने वाला था, अब नहीं आ रहा। तो भाई बहुत बहुत सॉरी यार, मेरा ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कहीं किसी प्रॉब्लम में फंस रखा था और मैं कहीं बाहर जा रखा था, मतलब मैं सारे सोशल मीडिया से इनएक्टिव था। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग इंस्टा पर अगर फॉलो नहीं किए हो तो भाई प्लीज़ इंस्टा पर फॉलो कर लो, इधर आईडी आ रहा है नीचे, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, तो आप लोग जाकर फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं सबको अपडेटेड रखता हूँ। एक्चुअली मैं जाने से पहले वहाँ पर स्टोरी डाल दिया था कि मैं क्यों नहीं आ रहा हूँ। चलो भाई आ चुके हैं सिटी में वापस से और 25.9 किलोमीटर चल रखी है हमारी गाड़ी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो भाई सॉरी उसके लिए, बट नॉलेजेबल होने वाली है वीडियो। ये होता है भाई सिटी में अप एंड डाउन गियर। भाई शॉर्टकट ले लूँ क्या, क्या फ़ायदा शॉर्टकट लेने का। चलो सिटी चलते हैं, छोटे से रिएक्शन बता देंगे जैसे अभी पीछे भैया कर रहे हैं, पता नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा कि नहीं। बट हाँ भैया मुड़ के देख रहे थे भाई, क्या ही आवाज़ कर रही है भाई, पॉप। ओ भाई आई डोंट नो कि माइक में साउंड जा रहा होगा एग्जॉस्ट का या नहीं, बट हाँ अभी स्टॉक होकर भी ये बहुत सही आवाज़ कर रही है भाई। जब एक गर्म हो जाती है ना तो भाई बस आप लोग रेड रूस्टर में, अगर आप लोग ये गाड़ी गर्म कर ली है तो कोर्सिक भूल जाओ भाई, कोर्सिक चला जाओ, साउंड करने वाली है ये। पॉप एंड बैंक विदाउट कोर्सिक देने वाली है, एक्चुअली कोर्सिक से लाजवाब तो नहीं, कोर्सिक भाई का ताज है। तो भाई टोटल कॉन्टिनेंटल जी की हमारी समथिंग 30 किलोमीटर चल जाएगी आगे बस पुलिस स्टेशन पहुँचते, मतलब 31 किलोमीटर भी चल सकती हैं। तो भाई 10 किलोमीटर से सिटी में चली है और 20 किलोमीटर हाईवे पर, तो देखते हैं भाई अभी चलते हैं पुलिस स्टेशन पर वापस। वही आज का और देखो करेक्ट 31 किलोमीटर चल रखी है हमारी बाइक। ओके वापस वहीं चलते हैं रूल अप कराने के लिए। हाँ भाई एक राउंड ट्रिप हो गया हमारा। अंकल बोले नहीं इन लोग को, भाई ये तीसरा बार है हमारा यहाँ पर फ्यूल अप कराने का। मैं एक बार दोपहर में भी आ रखा था फ्यूल अप कराने, मैं बाहर गया था उस वजह से, और भाई अभी वीडियो बनाने के लिए फुल फ्यूल अप कराया तो वापस आ गया फ्यूल अप कराने। इन लोगों को सालों काम धंधा नहीं है, देखते हैं भाई कितना इतना फ्यूल बचा हुआ है, आ जाएगा फ्यूल। ओ भाई ये देखो भाई, ओ भाई इसमें तो पूरा फ्यूल है, आएगा भी फ्यूल, चेक कराते हैं भाई आगे चल के कितने का फ्यूल आता है। रिएक्शन नहीं करो गाइस, बच्चे का रिएक्शन है वो जो कार में बैठा है। क्या 4.3 ऑन रोड है बिना एक्सेसरीज का। और अंकल फुल कर दीजिए, अंकल भी लाइक यही नौटंकी उसे बैठा है। हाँ फुल कर दीजिए, एवरेज ही चेक कर रहा है कितने का आएगा पूरा।
31 1 लीटर तो फ्यूल आ गया भाई, 1 लीटर फ्यूल आ गया मतलब 30 है क्या हमारा एवरेज भी 25 तो हमने क्लेम कर दिया भाई थी। आएगा आएगा अभी और आएगा, आन दीजिए बस आएगा और आएगा और आएगा आएगा थोड़ा सा थोड़ा और इतना ही था। चलिए ठीक है तो भाई 1.47 का 100 कर दो, 145 कर दो, 145 कर दो वहाँ पे कितना के लिए 31 करेक्ट 31 किलोमीटर भाई। ओ यहाँ खड़ा करते हैं भाई, यहीं से स्टार्ट किए थे यहीं बंद भी करते हैं भाई। आ जाओ अंकल भैया जिनको देखो उनको रिएक्शन का रिएक्शन भाई, उधर देख रहे हो सारे स्टेशन जितने लोग खड़े हैं सब सब बाइक देख रहे हैं। मोबाइल देना अनुज भाई, लेट्स सी कितने का एवरेज दिया अनु, चेक करो एवरेज 31 का चलिए ना डिवाइडेड बाय 1.47 लीटर 1.47 भाई 21 का एवरेज भाई 21.08 तो भाई 21 का एवरेज दे दिया क्या, हाँ समथिंग 20 का एवरेज दे दिया, 21 आया है तो समझ जाओ 20 का एवरेज दे दिया भाई। स्टॉक साइलेंसर नो मॉडिफिकेशन, एयर फिल्टर भी स्टॉक है, सब कुछ स्टॉक है भाई, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं हो रखा है, कोई जीरो मॉड। तो भाई हाईवे पे तो अच्छा खासा एवरेज दे दिए बट सिटी में भाई बहुत दिक्कत होता है, सिटी में ये हमको देती है बहुत ही कम। बाइक कंफर्मेशन के लिए चेक कर लो 31.1 किलोमीटर। तो भाई अभी एक अच्छा सा यहाँ पर वो लेते हैं, थंबनेल लेते हैं भैया का रिएक्शन देखो भाई, रिएक्शन पे रिएक्शन तो भाई बोतल देना बताओ भाई क्या है फ्यूल है अंकल का रिएक्शन तो भाई ये फ्यूल बिल्कुल नहीं है और कहाँ से थंबनेल सही आएगा यहाँ से ऐसे गाइस तो भाई अभी थंबनेल लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोग से। तो भाई बस इस वाले ब्लॉग में इतना ही, आप लोग को पता ही चल गया भाई एवरेज क्या दे रही है जीटी भाई। और भाई ये देखो भाई थंबनेल लेने के लिए भाई ये देव भक्ति का मेरे को ऑयल लेना पड़ा भाई, इसका भी देखो ये सील निकला नहीं है ऐसे कैसे ये भाई। बस ये देखो भाई क्या का जब सनसेट हो रहा है, एक मिनट भाई से ये लो भाई ओपी। तो भाई बस इस वाले ब्लॉग में इतना ही, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले किस्मतदार ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई बाय बाय।